हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूस पैलेट। आई एम योर शेफ़ पूनम दीवान। कसूरी मेथी एक नेचुरल फ्लेवर एनहेंसर है। मैं भी आपको बहुत सारी अपनी रेसिपीज़ में बताती हूँ कि इसमें आप कसूरी मेथी ऐड कीजिए। कसूरी मेथी डालने से किसी भी डिश का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। और ये कसूरी मेथी हम घर पर ही बना सकते हैं। आजकल सर्दियों में मेथी बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती है। घर पर कसूरी मेथी बनाने के दो फायदे हैं। एक तो आप अपनी पसंद से साफ़ सुथरी मेथी लाकर उसको धोकर आप कसूरी मेथी बनाएंगे। इसके साथ साथ ये काफ़ी इकोनॉमिकल भी पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैंने 2 किलो मेथी ली है, जिसके कि मैंने पत्तियाँ तोड़ ली। आप पत्तियों के साथ टेंडर स्टेम्स भी रहने दे सकते हैं। इन छोटी छोटी स्टेम्स को हमें निकालना नहीं चाहिए। एक तो ये न्यूट्रिशनली काफ़ी रिच होती हैं, अदरवाइज हमारे पत्ते बहुत ही कम रह जाएंगे। सारी मेथी तोड़ने के बाद हमारा सबसे पहला स्टेप होगा मेथी को वॉश करना। आप एक बड़े पतीले में मेथी रखिए और उसके अंदर खूब सारा पानी डालकर उसे 2 या 3 बार धो लीजिए। आप देख सकते हैं कि हमारे पतीले में कितना गंदा पानी रह गया है। तो यही फ़ायदा रहता है अगर हम घर पर अपनी कसूरी मेथी बनाएंगे, क्योंकि बाज़ार से लाने पर हम श्योर नहीं हैं कि उन लोगों ने इस तरह से मेथी की सफाई की होगी या नहीं। बस अब आप मेथी को एक स्ट्रेनर में डालिए और उसका सारा पानी अच्छा से निकाल दीजिए। इसके बाद हमें एक बड़ा सा कपड़ा बिछाना है और उस पर आप अपनी मेथी फैला दीजिए। इस तरह से आप मेथी को 1 से 1.5 घंटे सूखने दीजिए, ताकि उसका जो बहुत एक्सेस वाटर था वो थोड़ा सूख जाए। ये ध्यान रखने की बात है कि हमें मेथी को धूप में नहीं सुखाना, ये हमें घर के अंदर ही कपड़ा बिछाकर मेथी को ड्राई होने देना है। बस इतना थोड़ा सा इसका पानी सूखने के बाद अब हम इसे आगे प्रोसेस करेंगे। हम मेथी को 2 तरह से सुखा सकते हैं। फर्स्ट मेथड है माइक्रोवेव में। आप माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पर मेथी को एक ट्रे में फैलाइए और उसे चला दीजिए। हमें यहाँ पे टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस पर रखना है और हमें इसको 8 से 10 मिनट तक पकाना पड़ेगा पूरी मेथी को अच्छे से ड्राई होने के लिए। और सेकंड मेथड है ओवन मेथड। अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन को 160 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट कीजिए और बहुत सारी मेथी को इस तरह से ट्रे में फैलाकर ओवन में रख दीजिए। 10 से 12 मिनट लगेंगे आपकी मेथी को अच्छे से ड्राई होने में। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो हमने जैसे पहले चादर पर मेथी फैलाई थी, आप उसी तरीके से मेथी को 2 या 3 दिन तक फैले रहने दीजिए। उससे भी धीरे धीरे मेथी सूख जाएगी और कसूरी मेथी बन जाएगी। आप एक बार मेथी को बीच में चेक कर लीजिए। जब आपको देखने में लगे कि मेथी अच्छे से सूख गई है, आप इसको हाथ से दबा के देखिए। अगर एकदम क्रंची आवाज़ आएगी और मेथी एकदम चूरा हो जाएगी, इसका मतलब है कि मेथी जो है वो अच्छे से सूख गई है। अगर आपका 10 से 12 मिनट में अगर मेथी अच्छे से ड्राई नहीं होती तो आप 3-4 मिनट इसको और बेक कर सकते हैं। बस इसके बाद आप इसको एक प्लेट में निकालते रहिए और बाकी के बैचेस को भी इसी तरीके से आप ओवन में ड्राई कर लीजिए। ये हमारी सारी मेथी अच्छे से ड्राई हो गई है। अब मैं इसे दोनों हाथों से क्रश कर लूँगी, क्योंकि मोस्टली हम अपनी रेसिपीज़ में जब कसूरी मेथी डालते हैं तो हम उसको पाउडर फॉर्म में ही डालते हैं। प्लस ऐसा करने से इसको स्टोरेज करना इजी हो जाता है। बस अब हम अपनी कसूरी मेथी को किसी भी कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। आप एक साफ़ सुथरा कंटेनर लीजिए। आप प्लास्टिक, स्टील, किसी भी तरीके का कंटेनर ले सकते हैं और उसमें आप अपनी कसूरी मेथी भर लीजिए। कसूरी मेथी को फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये बाहर ही आप किचन में रख सकते हैं और ये बहुत अच्छे से 6-7 महीने चल जाती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा कंटेनर एयरटाइट कंटेनर होना चाहिए और कसूरी मेथी जो हमने बनाई है उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहा होना चाहिए, अदरवाइज़ धीरे धीरे उसके अंदर कीड़ा लगने का डर रहता है। तो बस देखिए कितने सिंपल स्टेप से हम इतनी बढ़िया कसूरी मेथी अपने घर पर ही बना सकते हैं और अपनी डिशेस को एंजॉय कर सकते हैं। तो बस चलिए अब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।